तो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग फ्री फायर में आने वाले जो अपकमिंग इनक्यूबेटर है उसके ऊपर पूरा का पूरा जो इनक्यूबेटर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, एंड साथ ही मैं अपकमिंग कुछ इवेंट्स एंड कुछ अपडेट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि हम लोग का गेम में बहुत ही जल्दी दिखने वाली है, एंड साथ में आप लोग को फ्री में कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे। तो कैसे मिलेगा मैं पूरा बताऊंगा, तो सबके सब वीडियो को एंड तक देखो, आप लोग समझ जाओगे। और बिना कोई टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक मार देना। इस वीडियो को हम लोग लाइक एम रख लेते 600 लाइक्स मुझे लग रहा है आप लोग कंप्लीट कर दोगे। तो चलो यार, बिना कोई टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग बात करते हैं हम लोग अपकमिंग इनक्यूबेटर में कौन सी बंडल दिखने वाली है, मैं पूरा का पूरा दिखाने वाला हूँ। तो यार सबके सब देखो यार, सबसे पहले मैं हायर वाला दिखाऊंगा, उसके बाद मीडियम वाला, उसके बाद एकदम लो वाला, ठीक है। और ब्लूप्रिंट कौन सा वाला ब्लूप्रिंट होगा अपकमिंग इनक्यूबेटर में, ये भी दिखाऊंगा सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे हायर, जो सबसे ऊपर रहती है इनक्यूबेटर में, वो होने वाली ये वाली दोनों डेज, ये मेल और ये फीमेल। बहुत सही लग रही है, बहुत ही अच्छा है गाइस, मुझे तो बहुत सही लगा। मुझे आज तक बहुत हायर वाला इनक्यूबेटर का ड्रेस अच्छा नहीं लगा उतना, बट ये वाला इनक्यूबेटर का ड्रेस मुझे अच्छा लगा। अभी हम लोग बात करते हैं मीडियम वाला। तो यार मीडियम वाला ये वाला होने वाली है मेल और ये वाला फीमेल। तो आप लोग देख सकते हो मीडियम वाला भी बहुत ही सही लग रही है, ठीक है ना। और गाइस अभी जो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो ये वाली बंडल मेल और फीमेल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे ये वाली लो वाली, जिसके लिए हम लोग को 3 एवोल्यूशन स्टोन एंड 1 ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। आप लोग पूरा का पूरा समझ गए, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर अलग से देख सकते हो यहाँ पे कितना कितना क्या लगेगा। 7 एवोल्यूशन स्टोन, 3 ब्लूप्रिंट एकदम ऊपर वाले के लिए, उसके बाद वाले के लिए 5 एवोल्यूशन स्टोन, 2 ब्लूप्रिंट, और एकदम नीचे वाले के लिए क्या होगा 3 एवोल्यूशन स्टोन, 1 ब्लूप्रिंट, ठीक है ना। तो बस अभी बात करते हैं हम लोग का जो इनक्यूबेटर है, इनक्यूबेटर में किस टाइप का जो है हम लोग का ब्लूप्रिंट दिखने वाली है। तो बस यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो इस टाइप का इंटरफेस टाइप का, इस टाइप का डिजाइन का हम लोग को जो है ब्लूप्रिंट इस बार का इनक्यूबेटर में हम लोग जो कि अपकमिंग इनक्यूबेटर होने वाली है उसमें हम लोग को न्यू अपडेट के साथ, न्यू इनक्यूबेटर के साथ हम लोग को दिखने वाली है। तो यार ये रही इनक्यूबेटर की पूरी चीज है। तो गाइस अभी सभी के सभी वीडियो को पॉज करो, अभी के अभी वीडियो पॉज करो, एंड वीडियो पॉज करने के बाद कमेंट करो, कमेंट करके बताओ आप लोगों को जो तीनों बंडल दिखाया हायर मीडियम एंड लो, इसमें से आप लोगों को सबसे अच्छा कौन सी वाली बंडल लगी। मुझे तो स्पेशली अगर देखा जाए तो मुझे हायर वाली बहुत अच्छी लगी, तो आप लोगों को कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हम लोगों को जो नेक्स्ट इवेंट है, नेक्स्ट अपडेट है उसके ऊपर। तो गाइस हमारे अपकमिंग इवेंट में ये वाली स्कार्फ हम लोग के फ्री फायर गेम में अवेलेबल होने वाली है। इसके अकॉर्डिंग क्या इस लीक्स के अकॉर्डिंग ये पता चल रही है कि हम लोगों को ये वाली स्कार्फ टॉप अप इवेंट में या फिर कोई फ्री का इवेंट में हम लोग को देखने वाली है। तो यार टॉप अप इवेंट में ना आए तो ही बेहतर, क्योंकि यार फ्री में आए तो जो लोग डायमंड टॉप अप नहीं कर पाते उनके लिए बेहतर है, उनको फ्री में मिल जाएगी। तो यार बहुत सही होने वाली है, स्कार्फ आना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत यूट्यूबर बहुत सारा स्कार्फ के ऊपर बात कर चुके हैं लेकिन कोई भी स्कार्फ अभी तक आया नहीं है। इवन रमजान इवेंट भी नहीं आया, लीक्स इतना आ रही कि मे मंथ पे आएगा, कब आएगा हम लोग वेट करके बैठे, कोई भी नया अच्छा इवेंट नहीं आ रहा है। सिर्फ कैरेक्टर वाला नया इवेंट आ चुका, वो भी मतलब फालतू है, मुझे एकदम बिल्कुल पसंद नहीं आया है, ठीक है ना। तो यार यही थी हम लोग का दूसरी इवेंट, अभी हम लोग बढ़ते हैं हम लोग का जो तीसरा इवेंट है उसके ऊपर। तो गाइस नेक्स्ट रमजान इवेंट में इंडियन सर्वर में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे जितना भी चीज़ें देख रहे हो ना, जितना भी गिफ्ट्स देख रहे हो, जितना भी रिवॉर्ड्स देख रहे हो, ये सब चीज़ें जो है हम लोग का रमजान इवेंट में, इसमें से 90% चीज़ें हम लोग का रमजान इवेंट में आने वाली है, इंक्लूडिंग ये वाली ग्रेनेड की स्किन, ये वाली टोपी, एंड साथ में स्केटबोर्ड बैकपैक की स्किन, एंड और साथ में पैरासूट, ये सब चीज़ें आएगा ही आएगा। रमजान इवेंट जब आएगा मे मंथ पे आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है यार, कभी कभी फ्री फायर वाले बोल ले आएगा, कभी कभी बोल ले नहीं आएगा इंडियन सर्वर में, क्योंकि बाहर का मैं ऑलरेडी 4 सर्वर में रमजान इवेंट आते हुए देख चुका हूँ, बट इंडियन सर्वर में अभी तक नहीं आया। जितना भी लीक्स पता चल रही है कि मे मंथ में रमजान इवेंट हम लोग का आने वाली है, क्योंकि मे मंथ आने में सिर्फ 2 दिन बाकी है। सो यार मे मंथ आ जाएगा हम लोग का रमजान इवेंट आ जाएगा, तो बहुत सही होने वाली है। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ रमजान इवेंट का, आप लोग भी इंतजार कर रहे हो कि नहीं करो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो यही तक थी, अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो अपना दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नया रहे तो चैनल को सब्सक्राइब मार के बाजू वाला बेल आइकन दबा के उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ फ्री फायर से रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। एंड अभी के लिए बाय गाइस, सी यू, टेक केयर, एंड सभी को स्टे ट्यून्ड रहना, एंड सबसे बड़ी बात गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।